एक भयानक सड़क हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चले गई है। दस दिए कि यह श्रद्धालु बागेश्वर धाम जा रहे थे मत्था टेकने के लिए, तो इस दौरान यह हादसा वापर गया। करीब 12 श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर जा रहे थे, तो ऑटो की ट्रक के पिछे जोरदार टक्कर हो गई, जिस कारण 5 श्रद्धालुओं की थाहे मौत हो गई, जबकि 2 ने हॉस्पिटल पहुँच के दम तोड़ दिता। दसया जा रहा है कि ऑटो दे विच समर्था नालों वध श्रद्धालु सवार सन। करीब 12 श्रद्धालु इस ऑटो दे विच सवार सन। दर्दनाक हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मरण वालियां दे विच बच्चे अते बजुर्ग भी शामिल ने। यह हादसा मध्य प्रदेश के छतरपुर नेड़े वापरिया है, जिथे बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए ने। हादसे दे विच जख्मी हुए श्रद्धालुओं नूं हॉस्पिटल च दाखिल करवाया गया, जिथे उन्हां दा इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना नैशनल हाईवे 39 ते सवेरे 5 बजे वापरी, जदों छतरपुर रेलवे स्टेशन तो यह श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो रस्ते दे विच एक ट्रक दे नाल इस ऑटो की टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हां जख्मियों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और लाशा कब्जे दे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया। मरण वालियां दे विच 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। एक भयानक सड़क हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। दस दिए कि यह श्रद्धालु बागेश्वर धाम जा रहे थे मत्था टेकने के लिए, तो इस दौरान यह हादसा वापर गया। करीब 12 श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर जा रहे थे, तो ऑटो की ट्रक के पिछे जोरदार टक्कर हो गई, जिस कारण 5 श्रद्धालुओं की थाहे मौत हो गई, जबकि 2 ने हॉस्पिटल पहुँच के दम तोड़ दिता। दसया जा रहा है कि ऑटो दे विच समर्था नालों वध श्रद्धालु सवार सन। करीब 12 श्रद्धालु इस ऑटो दे विच सवार सन। दर्दनाक हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मरण वालियां दे विच बच्चे अते बजुर्ग भी शामिल ने। यह हादसा मध्य प्रदेश के छतरपुर नेड़े वापरिया है, जिथे बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए ने। हादसे दे विच जख्मी हुए श्रद्धालुओं नूं हॉस्पिटल च दाखिल करवाया गया, जिथे उन्हां दा इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना नैशनल हाईवे 39 ते सवेरे 5 बजे वापरी, जदों छतरपुर रेलवे स्टेशन तो यह श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो रस्ते दे विच एक ट्रक दे नाल इस ऑटो की टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हां जख्मियों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और लाशा कब्जे दे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया। मरण वालियां दे विच 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। एक भयानक सड़क हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। दस दिए कि यह श्रद्धालु बागेश्वर धाम जा रहे थे मत्था टेकने के लिए, तो इस दौरान यह हादसा वापर गया। करीब 12 श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर जा रहे थे, तो ऑटो की ट्रक के पिछे जोरदार टक्कर हो गई, जिस कारण 5 श्रद्धालुओं की थाहे मौत हो गई, जबकि 2 ने हॉस्पिटल पहुँच के दम तोड़ दिता। दसया जा रहा है कि ऑटो दे विच समर्था नालों वध श्रद्धालु सवार सन। करीब 12 श्रद्धालु इस ऑटो दे विच सवार सन। दर्दनाक हादसे दे विच 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मरण वालियां दे विच बच्चे अते बजुर्ग भी शामिल ने। यह हादसा मध्य प्रदेश के छतरपुर नेड़े वापरिया है, जिथे बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए ने। हादसे दे विच जख्मी हुए श्रद्धालुओं नूं हॉस्पिटल च दाखिल करवाया गया, जिथे उन्हां दा इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना नैशनल हाईवे 39 ते सवेरे 5 बजे वापरी, जदों छतरपुर रेलवे स्टेशन तो यह श्रद्धालु एक ऑटो दे विच सवार होकर बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो रस्ते दे विच एक ट्रक दे नाल इस ऑटो की टक्कर हो गई।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।